हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। ये विभाग की, फरीदाबाद प्रशासन की विभाग की गलतियां हैं कि यहां पर कई सारे लोग, आपको बता दूं वजीरपुर गांव के कई सारे लोग हैं, किसान हैं, आपको देखिए तबाह हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दरअसल दिक्कत क्या है कि जो अभी ये देखिएगा जिस तरीके से नाला लगातार ये खुल रहा है, ये किसी खुला हुआ ग्राउंड नहीं है भैया। जितना आप देख रहे हैं कि लगातार पानी जो भरा हुआ है, ये खुला हुआ ग्राउंड नहीं है, ये खेती बाड़ी की वो जमीन है, ये खेत है सारे, कई किला जमीन है यहाँ पर, कई एकड़ जमीन है। जिस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये गाँव से नाला निकल के आता है, यहां पर आगे चौक हो जाता है, चौक होने के बाद लगातार देखिए जिस तरीके से नाला सड़क पार करते हुए खेतों में जा रहा है। ये देखिए खेतों में जिस तरीके से नाला खेतों में बह रहा है, कंटिन्यू लगातार कंटिन्यू काला काला पानी बह रहा है, आगे काई तक जमी पड़ी है खेतों में, जहां तक आपकी नजरदारी है लगातार पानी भर चुका है। ये खेत है, मतलब सीधा सीधा यहां कुछ सालों पहले खेती हुआ करती थी अच्छी खासी, आगे भी खेती चल रही है, खेती अच्छी वाली खेती हो रही है। लेकिन पूछने की कोशिश करते हैं, गांव के कुछ लोग हैं, वजीरपुर गांव से हैं, क्या कहना चाहोगे भाई जी? आप सबके खेत हैं सर? नमस्कार सर। सर रजत शर्मा मेरा नाम है और ये हमारे खेत हैं सर। करीबन पांच एकड़ जमीन है जिसमें पिछले करीबन 3 साल से प्रॉपर इसी तरह से गांव का ये हमारे गांव के जो गंदी नाली का जो निकास है जी, वो आगे जाके सीवरेज वाला, वो आगे जाके गंदा नाला उसमें मिलता है, लेकिन वो चौक हो गया किसी वजह से, तो सारा पानी दिन रात हमारे खेतों में जा रहा है। अच्छा। पहले खेत यहाँ से शुरू थे और अब देखिए सर कहाँ तक पानी जा रहा है। और अभी हमने धान वगैरह की फसल लगाई थी तो सारा पानी जाके वो धान वगैरह सारा मर गया। तो इस टाइम हमारे पास राजेश नागर जी हैं और दूसरे हमारे विपुल गोयल जी भी हैं, तो मंत्री हैं दोनों, उन्हीं का विभाग आ रहा, विपुल गोयल जी का विभाग। हम तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी इस समस्या का समाधान करें सर। हम किसान कहाँ जाएं, अब तो नौबत ही आ गए, सुसाइड ही कर लें, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, या अपने जो भूस निकलता है, अब हमारे पास तो पशुओं के लिए कुछ भी नहीं है सर। देखिए किसान की क्या हालत है आज। वजीरपुर गाँव में, दरअसल वजीरपुर गाँव कहाँ, यहाँ से जस्ट जाएंगे ना फैदाबाद सेक्टर, अम्मा हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी आपको दिखा दूं, वो दिख रही, वो बड़ी सी बिल्डिंग है ना, वो अम्मा हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, गेट ऑफ फैदाबाद का है, ज्यादा दूर पुर नहीं है, फैदाबाद का जस्ट बगल सटा हुआ है, बाईपास रोड यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर होगा बाईपास, जो दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके पास के गांव का ये हाल है, यहाँ के किसानों का हाल है, यहाँ के लोगों का। सर आपकी 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 भी जमीन है जी यहाँ पर? हमारी भी जमीन है जी, ये 3-4-5 किलाओं में पानी भर चुका है पूरा, और ये जो गांव का सीवर लाइन है ये ब्लॉक चौक होने की वजह से, ये जो आपने अभी वीडियो बनाई, ये सारा पानी हमारे खेतों में भर रहा है। इस टाइम राजेश नागर जी और विपुल गोयल जी के पास मंत्रालय, अगर उनके भी बनने के बाद अगर ये काम नहीं होता है तो हमारा कोई, अभी तो नए नए बने, अच्छी बात है, निगाह में जाएगा तो सॉल्यूशन भी होगा। हाँ, तो हमारी उनसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश है, क्योंकि हमारी ना फसल हो पा रही है, ना हम अपने खेतों तक पहुंच पा रहे हैं, सारा पानी भरा हुआ है, इसमें कीड़े मकोड़े सांप वांप क्या हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इस पानी में घुसने की हिम्मत ही नहीं हो रही। नगर निगम में आ गए वजीरपुर गांव तो? हाँ जी, नगर निगम के अंदर, ये तो वार्ड में आता है। हाँ जी, वार्ड, नगर निगम वार्ड, कौन सा वार्ड में आता है? कौन सा वार्ड में? 28 मनोनीत पार्षद कौन है यहाँ पर? यहाँ पर विजेंद्र। अच्छा, फिर मनोनीत पार्षद यहाँ के आते हैं इसमें? अच्छा, पार्षद गिरी मतलब सीधा कहता है एमसीएफ विभाग में है, ये नगर निगम बाढ़ में आता है, तो फिर नगर निगम के मंत्री तो भैया विपुल गोयल बने। तो हमको विपुल गोयल जी से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान करें सर। हम किसान कहाँ जाएं, हम तो इस खेत से जा भी नहीं सकते हैं, आप रास्ता देखिए हमारा, हम जा भी ना पा रहे हैं। अच्छा। और आगे पानी बढ़ ही रहा है सर, हमारे दूसरे खेत आगे उसमें भी जा रहा है सर आगे। तो सर अभी कितना किला जमीन पर ये बर्बाद हो चुकी है? ये 5-6 किला, कितना किला खेत बर्बाद हो गए ये सर? 5-6 एकड़ हो चुके हैं और आगे बढ़ रहा है सर पानी, ये इतने एकड़ मतलब खेती बड़ी बर्बाद हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं कब से बर्बाद हो रही है सर? ये करीबन 3 साल हो गए। 3 साल से मतलब सुध नहीं लिया एमसीएफ विभाग ने? कोई नहीं सर, बिल्कुल भी। तीन आदमी मर लिए हम इसमें, 3 आदमी। हाँ, कैसे? बस इनके सुसाइड करने के चक्कर काट कर, कहीं मिले ही ना इनने साधन, रात दिन भग रहे हैं, कोई आवे ना देखने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो भैया गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चे ने लेकर, अपने ढोरन ने लेकर, बताओ हम कहाँ जाएंगे? हो उनसे हमारा देखे, हमारे बालक भी डोल ना सके यहाँ, हम आ ना सके, हम बीमार हो गए, क्यों खेतन पे आ जावे, घूम जावे, अब कहीं आ भी नहीं सकते हम। तो अभी आपकी भी जमीन है जी? आपकी भी? हाँ जी, हमारी भी जमीन है यहाँ। अच्छा, 3-4 सालों से यही हाल है यहाँ, हुआ ही नहीं अभी तक कुछ, ये लगा लो पानी। किस किस के पास चक्कर काट चुके हैं अब तक आप? चक्कर क्या है, एमसीएफ में भी बहुत बार गए हैं, वो सीवर वगैरह के लिए आते थे वो खाली करने के, पानी भर के यहाँ से ले गए 1-2 दिन। अच्छा, बस यहाँ पर ट्रैक्टर, कितना ट्रैक्टर लगाएंगे तो मर जाएंगे ट्रैक्टर? वही हुआ, उसके सिवा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब फॉर्मेलिटी करके एमसीएफ विभाग वाले चले जाते हैं वो। अच्छा अच्छा, यहाँ से ये सारा ब्लॉक है, इसको भी नहीं खोलते हैं। अच्छा, वो ये नाला है? हाँ, ये नाला है। ये नाला है, गांव का नाला, मतलब गांव का पानी निकल के आ रहा है। ये कहाँ जाता है, जाएगा कहाँ पर? ये है आगे नाला है, ये सारा अगर सही से काम हो तो अंडरलाइन
इसमें सीवर लाइन है, वो सीधा पानी नाले में जाता है। नाला कहाँ पर है? यहाँ पर ये नाला थोड़ा दिखाई दिखाइए। तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, देखिएगा किस तरीके से रोडों पर से पानी, देखिए सीवर यहाँ से निकल निकल के जा रहा है भाई, ध्यान से आराम से आराम से। ये देखिए जिस तरीके से पानी यहाँ से निकल निकल के जा रहा है, ये पानी आपको बता दूं पूरा गटर का पानी है, सीवर का पानी है पूरा। देखिए काई लग चुकी है खेती बाड़ी में, यहाँ देखिए काई लगी है, ये ब्लैक ब्लैक देखिए किस तरीके से काई लगी है, ये यहाँ काई लगी पड़ी अच्छी खासी, देखिए हरा हरा पूरा खेत हरे हो रखे भैया, ये सीधा सीधा काई है। आपको बता दूं तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं वजीरपुर के गांव के, वजीरपुर के लोग कहते हैं किसान परेशान है, तबाह हो चुके हैं भैया, सीधा कहूं क्या, सीधा सीधा कहें कि तबाही के कगार पर खड़े हैं भाई साहब। ये एमसीए विभाग के अंडर में आने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो सोचिएगा गांव के किस तरीके से बुरा हाल है। अच्छा ये नाला है यहाँ से, ये एक बार दिखाओ ये नाला यहाँ पर बंद है। अच्छा ये बंद कर दिया है वो, अच्छा वो खेती बाड़ी का हिस्सा यहाँ पर, ये नाला मुश्किल से है 10 फीट डालना होगा यहाँ पर, ये अच्छा ये नाला तो यहाँ पर, ये तो रास्ता बंद है, ये तो खेती बाड़ी का रास्ता है तो ये रास्ता बंद है। ये खेत वाला परेशान नहीं हो रहा, इसके नहीं जा रहा है, पाइप था, पाइप है। इसके नीचे पाइप है, अंडरग्राउंड, अच्छा इसके नीचे अंडरग्राउंड नाला है और नाला ये रहा। अच्छा बस इतना सा काम करना है, मुझे लगता है कि इतना सा काम करना चाहिए, नाला आ गया बताइए, ये नाला, अच्छा ये नाला यहाँ, ये देखिएगा बताने की कोशिश करता हूँ। वहां हमने तस्वीरें दिखाई है, मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 फीट दूरी पर होगी, उसके बाद ये खेती बाड़ी है, तो मुझे लगता है कि 10 से 20 फीट दूरी का ये नाले का प्रोविजन है, जो सॉल्यूशन है हो सकता है, जिससे कहते हैं किसान परेशान ना हो। यहाँ से इस पे ये नाला आ चुका है जो आपको आगे आगरा नहर में जाके खुला हुआ है आगे जाके। अच्छा ये नाले में क्या मत परेशानी कह रही, इसको लेके मना क्या कर जाते हैं, क्या बोलते हैं सर इनके बारे? सर वो आके अपना अपना जैसे ट्रैक्टर लिया है उससे करने के बाद और हो जाते हैं उसके बाद। हाँ अभी तो इसके लिए बड़ी मशीन लानी पड़ेगी, ये बोल बाल के सर चले जाते हैं। अच्छा ये बस गोली दे जाते हैं? गोलीबाजी है सर, और कुछ नहीं है। हाँ जी बराबर, हर बार गोली दे के चले जाते हैं एमसीएफ वाले। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा अच्छा कितने बार आए यहाँ पर अब तक? सर कई बार आ चुके, बड़ी मशीन लेके आएंगे, ट्रैक्टर से बात नहीं बनती, उसके बाद भी फिर आते नहीं है सर। अच्छा उसके बाद बोल के जाते हैं बड़ी मशीन के चक्कर में वही बड़े दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके सर निकल जाते हैं, उसके बाद तो कुछ है। बिल्कुल सही। देखिए सर सीधा सीधा है कि अभी विपुल गोयल जी इस वक्त के मंत्री बने हैं और एमसीएफ विभाग उनके हाथ में है। सर आपसे बहुत सारी उम्मीदें इन लोगों से है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है, क्योंकि फैदाबाद विधानसभा से आप जीते हैं, जब से जीते हैं इन्हें भी खुशी थी कि चलिए विपुल गोयल मंत्री बने हैं, पहले से लोग आपके चाहते हैं, राजेश नागर के चाहते हैं, राजेश नागर जी की पास भी मंत्रालय है, तो दोनों बड़े मंत्री इस समय हमारे शहर में हैं, दोनों अगल बगल में हैं, तिगांव विधानसभा पड़ता है, लेकिन उम्मीदें अब विपुल गोयल जी से भी हैं, क्योंकि मंत्रालय उनके हाथ में है, एमसीएफ का मंत्रालय हाथ में है, और वैसे विपुल गोयल को कहा जाता है तेज तर्रार नेता है भैया, काम करने में इच्छुक रखते हैं, काम करने में अच्छी खासी कहते हैं भावनाएं रखते हैं, तो जरा इन किसानों को भी थोड़ा सा सोल्यूशन कीजिए विपुल गोयल साहब, मंत्री जी हैं दरअसल, क्योंकि ये नाले का सोल्यूशन निकल जाता है, मुश्किल से 15 फीट या 20 फीट का शायद ये सोल्यूशन होना है, पाइपलाइन को सही करना है, उसके बाद नाले में गांव का पानी निकल जाएगा, तो कई सारे किसान जो कहते हैं सैकड़ों की तादाद में जो किसान तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहा है, वो सुसाइड करने से बच जाए, वरना आज की कंडीशन में ये लोग क्या कहने लग रहे हैं बड़ी दिक्कत है भैया, अगर सोल्यूशन नहीं हुआ तो भाई सोल्यूशन नहीं होता है तो किसान के पास एक रोटी का रोजगार यही है, हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट है आज के टाइम में। सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर यही है कि मजबूरन होकर आत्महत्या करनी पड़ेगी या मर जाएं, और क्या होगा हमारे पास, बच्चों को भी मारना पड़ेगा लास्ट में। ये कंडीशन मत कीजिए जी, ना तो गायों भैंसों के लिए खाने के लिए कर सकते इसमें कुछ ना अपने लिए है, तो कहाँ जाएंगे फिर बताओ, आप बताओ, गवर्नमेंट बताए हम तो वहाँ चले जाएंगे। सॉल्यूशन ना निकला आंटी जी, क्या सॉल्यूशन निकला? तीन तो हमारे भी गए या खेत के चक्कर में, पर अभी तक हम, अब हम भी मर जाए तो हमारे बालक बच्चे और पीछे वो कहाँ जाएंगे, या वजह तो हम परेशान है, हमारे यहाँ में कुछ समाधान लेकर आओ तुम। ठीक है ठीक है, तो चलिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशन है किसान परेशान है, विपुल गोयल जी मंत्री साहब से रिक्वेस्ट है और राजेश नागर जी से भी रिक्वेस्ट है, दोनों बड़े मंत्री हैं शहर के, फैदाबाद विधानसभा के मंत्री हैं, फैदाबाद तिगांव विधानसभा के मंत्री हैं, तो थोड़ा सा समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि समस्या का समाधान मुश्किल से एक बार में शॉर्ट आउट हो सकता है, ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, कुछ हिस्सा बस नाले का डालना है, कुछ हिस्सा नाले का सॉल्यूशन देना है, और कई सारे किसान यहाँ जो हैं, कई किला जमीन, कई एकड़ जमीन जो तबाह हो रही है खेती बाड़ी की, वो किसान बच जाएंगे, वरना सॉल्यूशन यह